हेलो ऑल, मैं हूँ विनय सिंह फ्रॉम विश अकेडमी डॉट कॉम और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कोड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लेसमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को एचटीएमएल कोड के साथ किस तरह प्लेस कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सोर्स कोड, यहाँ पर हमने बेसिक एचटीएमएल टैग लगाए हैं एचटीएमएल पेज स्टार्ट करने के लिए। नाउ हम तीन तरह से जावास्क्रिप्ट कोड को एचटीएमएल के साथ इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। पहला हेड में प्लेस करके, दूसरा बॉडी सेक्शन में प्लेस करके और तीसरा एक्सटर्नल शीट में प्लेस करके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हेड सेक्शन में। सो हमें लगाना होगा स्क्रिप्ट टैग एंड क्लोज स्क्रिप्ट टैग, देन टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, देन यहां पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। फंक्शन बनाया मैंने, से हेलो नाम दिया उसका, एंड इसमें हम लिख रहे हैं अलर्ट स्क्रिप्ट। आई एम यूजिंग जेस इन हेड सेक्शन। ठीक है, देन चूंकि फंक्शन है इसलिए डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, इसे हमें कॉल करना होगा और इसे हम कॉल करेंगे बॉडी सेक्शन से। और कॉल करने के लिए बना रहे हैं हम एक बटन। ठीक है, इनपुट टाइप बटन एचटीएमएल का यूज करके इसकी वैल्यू दे रहे हैं, प्रेस मी, और जब इसे प्रेस करेंगे तो ऑन क्लिक इसे कॉल करना है से हेलो फंक्शन को। सेव एंड रिफ्रेश एंड प्रेस करते हैं बटन को। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स देखते हैं जिसमें लिखा है आई एम यूजिंग जे एस इन हेड सेक्शन। ओके, जो हमने कोड किया था एच टी एम एल पेज के हेड सेक्शन में यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि हम जावा स्क्रिप्ट को एच टी एम एल के हेड सेक्शन में लिख कर और बॉडी सेक्शन में उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसे हम यहाँ से हटाते हैं एंड इस बटन को हटा देते हैं, यहाँ इसे प्लेस करते हैं और फंक्शन की बजाय यहाँ लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट कोड को बॉडी सेक्शन में। सो आई एम यूजिंग जे एस इन बॉडी सेक्शन ऑफ माय पेज। ठीक है, अगर जावा स्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन में प्लेस करने पर रन होता है तो इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जावा स्क्रिप्ट कोड को हमारे एचटीएमएल पेज के या वेब पेज के हेड सेक्शन में भी कॉल कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड एंड एक पॉपुलर वे, एक्सटर्नल शीट यूज करके जावा स्क्रिप्ट कोड को कॉल करना। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको बनाना होगा एक न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं, फिर से फंक्शन से हेलो बना लेते हैं, फिर से हेलो, देन अलर्ट आई एम यूजिंग जेएस इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल एंड कॉलिंग इट इन माय एचटीएमएल पेज। ठीक है, सेव करते हैं, जेएस नाम के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ मैं इसे न्यू डॉट जेएस नाम से। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करते समय आप जो भी उसका नाम देना चाहें, एक्स वाई जेड आप दे सकते हैं, बस आपको आखिरी में डॉट जे एस लगाना जरूरी है एज एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे हम एचटीएमएल पेजेस में डॉट एचटीएमएल लगाते थे, सीएसएस में डॉट सीएसएस लगाते थे, वैसे जावास्क्रिप्ट में आपको डॉट जे एस लगाना होता है। ठीक है, सो मैं इसका नाम दे रहा हूँ न्यू डॉट जे एस। ठीक है, अभी हम यहाँ पर फिर से एक बटन इंसर्ट करते हैं या उसी बटन को कॉल कर लेते हैं, मेरा वो बटन। ठीक है, एंड रिफ्रेश, अभी ये बटन वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक न्यू जेएस फाइल तो बना ली है लेकिन उसे
हमारे पेज से अभी तक लिंक नहीं किया है, तो लिंक करने के लिए आपको लगाना होगा स्क्रिप्ट टाइप, स्क्रिप्ट का टाइप है टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, एंड सोर्स है, उसका सोर्स है जेएस फोल्डर में न्यू डॉट जेएस, ठीक है। तो जेएस डायरेक्टरी में न्यू डॉट जेएस, एंड इसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ठीक है। अब सेव करते हैं, अभी तक ये बटन काम नहीं कर रहा था, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, आई एम यूजिंग जेएस इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल एंड कॉलिंग इट इन माय एचटीएमएल पेज। यहाँ पर बी आर वर्क नहीं कर रहा है, ओके रिमूव, ठीक है। सो बेसिकली हमने देखा कि हम HTML पेज में हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं, बॉडी सेक्शन में उसे लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं, और एक एक्सटर्नल सेपरेट फाइल बनाकर एक सेपरेट JS फाइल को भी हमारे HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी आप तरीका यूज करना चाहें कर सकते हैं JS यूज करने के लिए, तीनों तरीकों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप HTML पेज और जावास्क्रिप्ट को सेपरेट करना चाहते हैं तो अलग अलग डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप साथ में लिखना चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं, एंड अगर आप साथ में लिखना चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो की प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज सब्सक्राइब अस, कमेंट, लाइक अस, एंड बाय।